नमस्कार, मैं पूजा शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज़। एक नजर डालते हैं आज की खबर पर। कल्याण डोंबिवली महापालिका का बजट 1700 करोड़ रुपए का है। महापालिका आयुक्त डॉक्टर विजय सुरंशी ने स्थायी समिति कार्यालय में यह पेश किया और बजट को मंजूरी दे दी गई। बजट में 1600 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया है। यह बजट वास्तववादी है। कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। नागरिकों की सुरक्षा, अच्छी सड़कें और नागरिकों के लिए उद्यान जैसे विकास कामों पर भी जोर दिया गया है। बजट पेश करते समय अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, लेखा परीक्षक सत्यवान उबाले, सचिव संजय जाधव, उपायुक्त पल्लवी भागवत, इंद्रियानी कर्चे आदि उपस्थित थे। कल्याण डुमली महानगर पालिका का आज जो अंदाज पत्रक हमने मंजूर किया है, उसमें 1700 करोड़ ये राशि जमा का बजट है, जिसमें 1699 करोड़ का खर्च होगा और 99 करोड़ का ये 99 लाख जो है वो बचत का ये बजट हमने आज मंजूर किया है। इसमें कोविड को नज़रअंदाज रखते हुए जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको और मजबूत करने के लिए हमने ज़्यादा फोकस किया है। उसमें 3 नए अस्पताल का कि हम इसमें अस्पताल नए बनाएंगे, एक मेडिकल कॉलेज का भी इसमें प्रावधान है और नागरिकों को अच्छे रास्ते हो, अच्छे ट्रैफिक की सुविधा हो, गार्डन्स और पार्क्स ये अच्छे हो और उनका जो ease of living है वो अच्छा हो, इसके लिए इस बजट में ज्यादा फोकस हमने किया है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए एचएन न्यूज़ के साथ।